नमस्कार दोस्तों, मैं भोला सिंह आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल को कैसे निकाला जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 400 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि लघुत्तम विधि द्वारा 400 है, 400 का लघुत्तम निकालेंगे हम लोग। 2 × 4 2 शून्य बचा, 2 शून्य हो गया। इसके बाद 2 × 1 = 2 2 शून्य आ गया। 2 × 5 = 10 1 शून्य बचा, 1 शून्य को लिख देंगे। 2 × 4 1 कैरी बचा, 2 × 5 = 10 जिसके अंत में 5 होता है वो 5 से कटता है। 50 25 5 × 1 = 5 और ध्यान दीजिए, वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाते हैं और घनमूल में 3 का जोड़ा लगाते हैं। ध्यान दीजिए, ये हो गया 4 × 2 है, इसके बाद 5 × 2 का है, डबल डबल जोड़ा लगा लेंगे। यहाँ से 1 को निकाल लेंगे, यहाँ से 1 को निकाल लेंगे और यहाँ से 1 को निकाल लेंगे, जो बचा उसे गुणा कर देंगे। 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20 अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1600 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यानी लघुत्तम विधि द्वारा 1600 का, ध्यान दीजिए 2 × 8 = 16 00 बचा, 00 को लिख देंगे। 2 × 4 = 8 00 बचा, 00 को लिख देंगे। 2 × 4 00 बचा, 00 लिख देंगे। 2 × 1 = 2 00 बचा, 00 को लिख देंगे। 2 × 5 = 10 1 शून्य बचा, 1 शून्य को लिख देंगे। 2 × 4 1 कैरी बचा तो 10 हो जाएगा। 2 × 5 = 10 50 25 5 × 1 = 5 अब काउंट कर लेंगे, जितना है उसका जोड़ा लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 5 × 2 गए। और ध्यान दीजिए, जोड़ा लगा देंगे। एक जहाँ से जोड़ा लगेगा वहाँ से एक अंक निकाल लिया जाएगा। 2 यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ से भी 1 निकलेगा, यहाँ से भी 1 निकलेगा, फिर यहाँ से भी 5 1 निकलेगा, फिर इसको मल्टीपल कर देंगे। 2 × 4 4 × 8 8 × 5 = 40 अगला क्वेश्चन है 2304 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। इसको भी लघुत्तम विधि द्वारा ही निकालना है। 2304 है, ध्यान दीजिए जिसके अंत में 2 4 6 8 0 लगा रहे हैं वो 2 से कटेगा। 2 × 2 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10 2 × 4 फिर इस 2 से ही कटेगा। 2 × 5 = 10 2 × 7 = 14 1 × 2 = 2 6 × 12 अभी भी 2 से कटेगा। 2 × 4 2 × 4 2 × 8 = 16 इसके बाद 2 × 8 = 16 फिर 2 से भी कटेगा। 2 × 2 2 × 8 2 × 8 2 × 7 = 14 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 6 = 12 2 × 2 2 × 8 = 16 फिर यहाँ पर 2 से भी कटेगा। 2 × 9 = 18 3 × 3 = 9 3 × 3 फिर काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 2 4 6 7 8 2 3 है। अब इसका जोड़ा लगा देंगे। जहाँ से जोड़ा लगेगा वहाँ से 1 को निकाल लेंगे, फिर इसको मल्टीपल कर देंगे। 2 × 4 4 × 8
आठ दिन 16 सुरतियाँ 48 आंसर। अगला क्वेश्चन है 216 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए लघुतम विधि द्वारा निकालेंगे 216। घनमूल में 3 का पेयर लगता है और वर्गमूल में 2 का पेयर लगता है। 2 इसके अंत में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 8 2 एकम 2 और यहाँ पर कट गया 0 लगा, 2 8 16 फिर 2 से ही कटेगा, 2 5 10 2 चौके 8 2 दो 4 2 7 14। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 आ गया तो आप विषम संख्या ऐसे इसलिए 3 से कटेगा, 3 9 27 3 का 9 3 एकम 3 फिर काउंट कर लेंगे 1 2 3 3 1 2 3 फिर इसका पेयर लगा लेंगे जोड़ा, जहाँ से 3 का जोड़ा लगेगा वहाँ से 1 को निकाल लेंगे उस अंक को, फिर 2 का 1 निकाल लेंगे, 3 का जोड़ा लग चुका है इसलिए 1 को निकाल लेंगे, 2 3 6। इसके बाद ध्यान दीजिए जो लोग मेरे नए चैनल पाए हैं लाल रंग का बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को भी बजा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे।